शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात से महाराष्ट्र की सियासत में तहलका मच गया है। शिवसेना और कांग्रेस को सरकार गिरने का डर सताने लगा है। हालांकि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच बैंक नियामक प्राधिकरण में हुए परिवर्तन को लेकर चर्चा की गई। लेकिन अटकलें ये भी है कि पीएम मोदी और पवार के बीच राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। मोदी पवार की मुलाकात पर शिवसेना का भी बयान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने ये कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए एनसीपी प्रमुख दावेदारी कर सकते हैं। पीएम मोदी के साथ ये मुलाकात भविष्य की रणनीति के लिहाज से हो सकती है, लेकिन ऐसा करके शरद पवार महाराष्ट्र में अपनी ताकत खो देंगे। शिवसेना ने ये भी कहा है कि बीजेपी और शिवसेना ही एक साथ रहकर महाराष्ट्र में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों हिंदुत्ववादी संगठन हैं, जबकि एनसीपी प्रमुख को भी पता है कि बीजेपी उनका प्राकृतिक साझेदारी नहीं हो सकता है। उधर मोदी पवार की मुलाकात पर सोशल मीडिया पर भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि उधर महाराष्ट्र में सीएम को ये देखकर पसीना छूट गया होगा। एक दूसरे यूजर ने आरोप लगाया कि पवार बरसाती मेंढक है। अनिल देशमुख के 100 करोड़ महीने की मांगने वाले मैटर में फंस गए हैं, क्योंकि देशमुख तो जरिया था, पैसे तो पवार के जेब में जा रहे थे, इसीलिए अब शिवसेना की सरकार गिराकर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बोलने आया होगा, ताकि जांच से बचा जाए। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा है कि ये बैठक महाराष्ट्र सरकार के लिए थी, वहीं इससे पहले उद्धव ठाकरे और मोदी की भी मुलाकात हुई थी। इस दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनेगी, हालांकि हुआ कुछ नहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि पवार और मोदी की मुलाकात से क्या महाराष्ट्र के राजनीति में कुछ परिवर्तन आता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।